दोस्तों 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कई मतभेद हुए, आज भी जारी है। ये मुख्य रूप से क्षेत्रीय मसले थे। अंडमान निकोबार की भारत में विलय होने की कहानी इन्हीं में से एक मानी जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टेरियस हिस्ट्री। आज के वीडियो का संदर्भ जुड़ा है अंडमान निकोबार के मसले पर, मगर इस पर बात करने से पहले हम जानते हैं लक्षद्वीप आइलैंड की भारत में विलय होने की कहानी को इन शॉर्ट में। अंडमान निकोबार की तरह ही लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है। आजादी के बाद यह हिस्सा मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन आता था, ऐसे में इसका सीधे तौर पर भारत में शामिल होना तय था, मगर पाकिस्तान के सर्वेसर्वा मोहम्मद अली जिन्ना इस बात से ताल्लुक नहीं रखते थे। उनके मुताबिक लक्षद्वीप की ज्यादातर आबादी मुसलमान है, ऐसे में लक्षद्वीप भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। बस इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पाकिस्तानी नेवी की एक बटालियन लक्षद्वीप की तरफ रवाना की। जब पाकिस्तानी नेवी लक्षद्वीप से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही थी, तब उन्होंने किनारे पर लहराते हुए भारतीय ध्वज को देखा। जाहिर सी बात थी कि भारत ने वक्त रहते पाकिस्तान से पहले लक्षद्वीप पर अपना कब्जा पा लिया था। ऐसे में पाकिस्तानी नेवी का आगे बढ़ना युद्ध को चुनौती दे सकता था। लक्षद्वीप का भारत में शामिल होने का सारा क्रेडिट सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। उन्होंने मौके की नजाकत को ध्यान में रखते हुए तुरंत अपनी फौज को लक्षद्वीप पर तैनात कर दिया था। ऐसे में मोहम्मद अली जिन्ना का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। लक्षद्वीप के बाद अब बारी थी अंडमान और निकोबार की। पाकिस्तान अब इसे तो छोड़ने की फिराक में कतई नहीं था। उसके मुताबिक बंगाल की खाड़ी में होने की वजह से अंडमान निकोबार तो उसे ही मिलना चाहिए, साथ ही साथ वो वेस्ट पाकिस्तान का नजदीकी इलाका भी था। सारे मोहरे मोहम्मद अली जिन्ना के पक्ष में थे। ऐसे में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक चाल चलते हैं। आखिर वो चाल क्या थी, चलिए जानते हैं। वैसे तो अंडमान निकोबार का इतिहास 2000 साल पुराना है, मगर आज के इस विषय को ध्यान में रखते हुए हम इसकी कहानी शुरू करते हैं चोल साम्राज्य के शासक राजेंद्र चोल द्वितीय से। राजेंद्र चोल ही वे पहले शासक थे जिन्होंने अंडमान और निकोबार को एक नेवल बेस की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उस दौर में इसे माँ दक्कवरम के नाम से जाना जाता। आगे चलकर जब मराठाओं ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, तब 17वीं शताब्दी में मराठाओं के एक सरदार कान्होजी आंग्रे ने इसे साम्राज्य के अधीन ला लिया था। 1755 आते आते इस आइलैंड पर यूरोपीय लोगों का आगमन होने लगा। दिसंबर 1755 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी इस द्वीप पर आने वाले पहले यूरोपीय बने और उन्होंने इसे नाम दिया न्यू डेनमार्क। 1857 की क्रांति के बाद ये इलाका ब्रिटिश हुकूमत के हाथों में चला जाता है। उन्होंने यहाँ एक सेलुलर जेल बनवाया जिसमें वे क्रांति में पकड़े गए क्रांतिकारियों को सजा के तौर पर रखा करते। इस सजा का नाम था काला पानी की सजा। चारों तरफ समंदर होने की वजह से कैदियों का यहाँ से भागना लगभग असंभव था। ऐसे में काला पानी की सजा किसी भी कैदी के लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं थी। आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में जापान ने इस आइलैंड पर हमला किया और इसे अपने कब्जे में ले लिया। यही वो इलाका था जहां से भारत के स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार भारत की एक इंटरनल गवर्नमेंट स्थापित की थी, मगर ये केवल 2 सालों के लिए ही था। 1945 में हुई जापान की हार की वजह से यह क्षेत्र फिर से ब्रिटिश हुकूमत के अधीन आ गया। अब बात करते हैं 1947 के आसपास के समय की, मतलब भारत के आजादी के समय की। 1947 में हुए भारत के बंटवारे के बाद अंडमान निकोबार पर एक बहुत बड़ा सवाल था और वो ये कि इसे भारत का हिस्सा होना चाहिए या फिर पाकिस्तान का। मगर इस छोटी सी लड़ाई में भारत या फिर पाकिस्तान नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स भी शामिल थे। ब्रिटिशर्स इस इलाके को आजादी के बाद भी छोड़ना नहीं चाहते थे। उनके लिए ये द्वीप पॉलिटिकली बहुत ज्यादा महत्व रखते थे क्योंकि यही से वे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मौजूद अपनी कॉलोनीज को डायरेक्ट मदद पहुंचा सकते थे। 13 जून 1947 की बात है, तब की एक रिपोर्ट बताती है कि ब्रिटिश मिलिट्री इन द्वीपों को ब्रिटेन के कब्जे में ही रखना चाहती थी। ये फैसला
इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी को करना था। हालांकि माउंटबेटन चाहते थे कि भारत के बंटवारे का मसला जल्द से जल्द निपटा कर ब्रिटेन चला जाए। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल के ड्राफ्ट में 16वां आर्टिकल अंडमान निकोबार का था, मगर ये बात भारतीय नेताओं को नहीं मालूम थी कि ब्रिटिशर्स अंडमान निकोबार को लेकर सोच क्या रहे हैं। माउंटबेटन की राय थी कि आजादी के बाद भारत और ब्रिटेन इस इलाके को संयुक्त तरीके से अपने कब्जे में ले लें, जहां दोनों का इस पर बराबरी का हक हो। इसी बीच ये अफवाह भी उठने लगी कि नए समझौते के मुताबिक अंडमान निकोबार अब कुछ ही दिनों में ब्रिटेन के हिस्से में आ जाएंगे। ऐसे में भारत में विद्रोह होना लाजमी था, लिहाजा माउंटबेटन ये कभी नहीं चाहते थे कि उनके कार्यकाल में भारत और ब्रिटेन के रिश्ते खराब हो जाए। उनका इरादा शांति से भारत छोड़ने का था, मगर इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी अभी भी अंडमान निकोबार को भारत के लिए छोड़ने के पक्ष में नहीं थी। इसी बीच आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ ने इस मामले को निपटाने के लिए एक नया रास्ता सुझाया। उन्होंने एक त्रिपक्षीय समझौते की सलाह दी, जिसमें कहा गया कि अंडमान निकोबार के लिए एक अलग कमीशन नियुक्त किया जाए जो सीधे गवर्नर जनरल के अधीन होकर काम करेगा। जब तक अंडमान निकोबार की स्थिति साफ नहीं हो जाती, भारत और पाकिस्तान इसी कंडीशन को मेंटेन करेंगे। ये सुझाव सीधे तौर से ब्रिटिशर्स को गेम से बाहर कर रहा था। ऐसे में माउंटबेटन इससे बचने के लिए अपना अलग सुझाव रखते हैं। उनके मुताबिक अभी के लिए अंडमान निकोबार को आजाद कर लिया जाए और आगे जाकर जरूरत के हिसाब से भारत के साथ समझौता किया जाए। माउंटबेटन ने इस मुद्दे पर नेहरू से भी बात की। नेहरू भी इस बात को मान गए कि आने वाले दौर में ब्रिटिशर्स के ऐसे किसी भी प्रस्ताव को भारत की ओर से तवज्जो जरूर दी जाएगी, मगर इस बात की उन्होंने कोई फुल ऑन गारंटी नहीं दी। एक तरफ ब्रिटिशर्स और भारत के बीच निगोशिएशन चल रहा था, वहीं दूसरी ओर यहां एंट्री होती है एक नए प्लेयर की, जिसका नाम था मुस्लिम लीग पार्टी। मोहम्मद अली जिन्ना ये मानते थे कि भारत के बाकी हिस्सों के तरह ही अंडमान और निकोबार का भी बंटवारा होना चाहिए। उन्होंने अंडमान पर पाकिस्तान का दावा पेश करने के लिए कुछ तर्क रखे। जिन्ना का कहना था कि पाकिस्तान दो समूह में विभाजित है, एक है ईस्ट पाकिस्तान तो दूसरा है वेस्ट पाकिस्तान। इन दोनों के लिए जमीन का रास्ता भारत से होकर गुजरता है। संभव है अगर भारत ने आने वाले दिनों में जमीनी रास्ता देने से मना कर दिया तो दोनों के संपर्क के लिए समुद्री रास्ता ही बच जाता है। ऐसे में अंडमान का पाकिस्तान के हिस्से में होना बेहद लाजमी है। जिन्ना का दूसरा तर्क अंडमान निकोबार की ऐतिहासिक धरोहर को लेकर था। उनके मुताबिक ये इलाका संस्कृति के हिसाब से कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था। वहां की अधिकतम जनसंख्या आदिवासी है और उनका भारतीय लोगों के साथ धार्मिक या फिर सांस्कृतिक संबंध नहीं है। इन तर्कों से जिन्ना की ये कोशिश थी कि हिंदू मुस्लिम एंगल से अंडमान निकोबार को भारत से अलग किया जाए। उन्होंने इस बात को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमन एटली और विपक्षी नेता विल्स्टन चर्चिल के साथ भी साझा की। इन दोनों ने भी जिन्ना के इस तर्क का समर्थन करते हुए माउंटबेटन से उनकी राय मांगी। ऊपर से ऑर्डर आने पर माउंटबेटन पूरी तरह से बौखला जाते हैं। इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू 1941 की जनगणना का हवाला देते हुए एक अलग मत रखते हैं। 1941 में हुई जनगणना के मुताबिक अंडमान निकोबार की आबादी कुल मिलाकर 34,000 की थी, जिसमें से 8,000 मुस्लिम, 12,000 हिंदू और बाकी बचे आदिवासी समुदाय के लोग थे। इसके जवाब में जिन्ना ने यह कहा कि महज 12,000 की हिंदू आबादी होने की वजह से यह इलाका भारत का नहीं हो जाता। ऐसे में नेहरू का जवाब बिल्कुल हटके था। उनके मुताबिक भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लिहाजा 12,000 हिंदू जनता के साथ साथ आदिवासी समुदाय भी उनके अविभाज्य घटक है, लिहाजा अंडमान निकोबार को कतई पाकिस्तान को नहीं दिया जा सकता। नेहरू ने इस तर्क के साथ कुछ ऐतिहासिक हवाले भी दिए, जिसमें ये बताया गया कि अंडमान में बसे ज्यादातर लोग मद्रास, केरल और बंगाल से माइग्रेट होकर आए हैं और यहाँ की जुडिशरी सिस्टम भी कलकत्ता हाई कोर्ट के अधीन आती है। बस इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अंडमान और निकोबार को भारत का ही हिस्सा होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि कल को अगर भारत पाकिस्तान को एयर स्पेस इस्तेमाल करने से मना कर दे
तो ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान तक या फिर वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान तक पहुंचा कैसे जाए? इस सवाल का जवाब देते हुए नेहरू ने भारत का मैप मंगवाया और समुद्री रास्ते का हवाला देते हुए ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान को ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए कराची से चिटगांव का समुद्री रास्ता काफी है, ऐसे में अंडमान से होकर जाना ज्यादा दूर पड़ेगा। नेहरू का यह प्रस्ताव माउंटबेटन ने एटली को भेजा तो वे इससे खासा खुश नहीं हुए, लिहाजा उन्होंने अंडमान निकोबार के इस मसले को इंडिपेंडेंस बिल से अलग रखने के ऑर्डर्स दिए, मगर आखिरी डिसीजन अभी भी माउंटबेटन के हाथों में ही था। माउंटबेटन ने इंडिपेंडेंस कमेटी को ये राय देते हुए कहा कि बंटवारे की आखिरी घड़ी में अंडमान निकोबार को लेकर भारत से बात बिगड़ सकती है, ऐसे में इस मुद्दे को ब्रिटेन बाद में भारत के साथ निगोशिएट कर सकता है। कई प्रयासों के बाद आखिरकार इंडिपेंडेंस कमेटी ने माउंटबेटन की बात मान ली और अंडमान निकोबार को भारत के पाले में डाल दिया। इसका एक बड़ा कारण भी था, क्योंकि एटली का यह मानना था कि माउंटबेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू की दोस्ती बहुत गहरी है, ऐसे में दोस्ती का हवाला देते हुए आने वाले दौर में बैटन नेहरू से अंडमान से ब्रिटिश कोस्ट बनवाने की मांग कर सकते हैं, मगर ऐसा हुआ नहीं। नेहरू ने बैटन की दोस्ती को केवल व्यक्तिगत रखा और ब्रिटिशर्स को आजादी के बाद अंडमान में अपना कोस्ट बनवाने की इजाजत नहीं दी। तो ये थी कहानी अंडमान निकोबार के भारत में हुए विलय की। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।